बड़ा आनंददायक प्रसंग है। आज हम सबके घरों में महाभारत हो रहा है। आदरणीय मंत्री जी, हर किसी के घर में ये महाभारत है। अगर दो भाई हैं तो सब आपस में भिड़े बैठे हैं। रीजन क्या है? हमारे सामने इतना गौरवमय इतिहास है महाराज, उनसे हमने शिक्षा नहीं ली, इसलिए आज भी हमारे घर में महाभारत हो रहा है। कितना गौरवमय इतिहास है हमारा, जहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, कुरुक्षेत्र में। वो किसी अन्य का युद्ध नहीं था, दो भाइयों का युद्ध था, चचेरे ताऊ और चाचा के बच्चों का युद्ध था, एक दुर्योधन एक धर्मराज। रीजन क्या था? लालच। क्या रीजन है? जोर से बोलो। हमें नहीं है, हमें नहीं है। और ईमानदारी से सोचो, क्या वही लालच हमारे कलेश की वजह नहीं है? ईमानदारी से सोचना, किसी को बताना थोड़ी है, मैं तो यहां से बोल रहा हूं, आपको किसको बताना? आप तो अपने मन में सोचो, जो हमारे मन में लालच बैठा हुआ है, क्या वही वजह नहीं हमारे कलेश की? वही रीजन नहीं है हमारे द्वंद का? क्या वही शुरुआत नहीं है महाभारत की? दुर्योधन क्या चाहता है? पांडवों को कुछ न मिले। हम क्या चाहते हैं? उन्नाव की फेमस मार्केट में जो दुकान है वो मुझे मिल जाए, और उन्नाव के बाहर जो दुकान है वो मेरे भैया को मिल जाए। अच्छा, पंचायत में भी जो पंच आएंगे वो उसी के पक्ष के आएंगे जिसमें दम होगा। हाँ भाई, बात तो सही है, इसी ने बनाई है, थोड़ा इसी को दे, तुम कोई बात नहीं छोड़ो, तुम ले लो, वो दे तो रहा है और क्या होगा, ये लालच है। और इस लालच से ही युद्ध प्रारंभ होता है। लेकिन एक बात और सीख लीजिए, लालची आदमी किसी की मानता भी नहीं है, किसी की नहीं मानता है। बड़े ध्यान से सुनना, जब युद्ध प्रारंभ होना था तो अर्जुन ने सोचा कि चलो मैं भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाता हूं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए, तो जिस समय अर्जुन पहुंचे उस समय भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, मीन सो रहे थे। तो अर्जुन ने देखा मैं क्या करूं, बोले बैठे रहने से क्या लाभ, चलो भगवान की सेवा ही कर लेते हैं। तो अर्जुन भगवान के चरण दबाने बैठ गया। लेकिन यहां पर एक बात और बता दूं, अर्जुन से पहले दुर्योधन गया था, भगवान गया। जस्ट थोड़ी देर पहले अर्जुन से दुर्योधन पहले पहुंच गया भगवान के यहां। भगवान सो रहे थे और श्री कृष्ण जब सो रहे थे, दुर्योधन ने देखा कि ये सो रहे हैं तो इनको जगाना ठीक नहीं। शास्त्रीय बात करें तो जो व्यक्ति सो रहा हो उसे जगाना नहीं चाहिए, उसमें पाप है। अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए, यह भी पाप है। लेकिन कई जगह पर जगाना पुण्य है। कब? बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा हो तो माँ बाप को जगा देना चाहिए, थप्पड़ मार के, जग जा, तेरा एग्जाम निकल जाएगा। पता चले वो महाराज जी ने कहा था पाप है इसलिए जगाना नहीं है, तो ये चाहे एग्जाम निकल ही जाए, ऐसा नहीं। और वो बच्चा उठेगा भी नहीं। कई बच्चों को तो उसी दिन गहरी नींद ज्यादा आती है जिस दिन एग्जाम देना हो। गुरु अगर चेले को उठा दे तो पाप नहीं है। गुरु चेले को उठाओ, चलो जाके काम करो, उठा देना चाहिए। तो कई जगह पे पाप नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो गहरी नींद में हो उनको जगाना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन सोचा है कि चलो जगने की प्रतीक्षा करते हैं। तो कहां बैठा वो? भगवान के सिराने। युवा लोग भी सुन ले, थोड़े सीनियर लोग भी सुन ले इस बात को। आज हमारे बच्चों को यह नहीं पता है कि कहां बैठना चाहिए। मालूम है? बोलो मालूम है क्या? मम्मी पापा अगर साथ में बैठे हों तो बराबर में बैठना चाहिए, जवाब दो। कभी मम्मी पापा के बराबर नहीं बैठना चाहिए, कभी बड़ों के बराबर नहीं बैठना चाहिए, अपने गुरु के बराबर नहीं बैठना चाहिए, किसी संत महात्मा के बराबर नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए, उनसे नीची जगह पर बैठो। बराबर में बैठोगे तो नरक में जाओगे।
याद रखें, उनसे नीचे बैठो। क्यों? अरे सिरहाने तो कभी नहीं बैठना चाहिए। कई लोग मां बाप के, अब आजकल कहते बेड है महाराज इसमें क्या बराबर बराबर, नहीं है कैसे नहीं, तकिया किधर लगती है, किधर लगती है तकिया, बोले इधर, तो बोले वो सिराना हो गया, और पैर जिधर है वो पाइंतर हो गया, तो उधर बैठो, सिराने मत। हमें हमारे माँ बाप ने, दादी दादा ने बचपन में सिखाया था, एक पड़ा था खींच के गाल पे हमारे पे बचपन में, हमें पता ही नहीं था कहाँ बैठते हैं, घर में बड़े बूढ़े बैठे हुए थे, हम जाके ऊपर बीच में एकदम खाट के बीच में जाके बैठे, और जट आए और एक पड़ा गाल पे, बोले हाँ जी क्या हुआ, बड़े ऐसे बैठे तुम ऐसे बैठो, इधर चलो, जट आके बैठ गए। उसके बाद आज तक नहीं बैठे, वहीं बैठते पैरों में। आप सीखिए, मेरा निवेदन है युवाओं से, सिर्फ हिंदू कहने से हम हिंदू नहीं हो जाएंगे। आजकल बहुत फेमस शब्द है हिंदू, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ हिंदू हो? मैं तो सनातन धर्म का प्रचारक हूं, तो मैं तो हिंदू ही हूंगा, हूं क्या, हूं कि नहीं, जवाब दो, हूं कि नहीं? मैं तो धर्मगुरु हूं, तो मतलब थोड़ा बहुत तो हिंदू हूंगा। मुझे तो बताओ तुम सच्चे सच्चे, छोड़ो झूठे भी हो, संस्कार विहीन व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। जिसने संस्कार को टांग दिया वो हिंदू नहीं, संस्कार ही हमें हिंदू बनाते हैं। जो अपने बड़ों का आदर करना सिखा दे वही तो सनातन है महाराज। घर में मां बाप को गाली देते हो और बाहर जाके हिंदू का तुम्हारा भला करे, झूठे आदमी। अपने बड़ों का अनादर करके आप झूठे हिंदू बन रहे हो, सच्चे नहीं, सच्चे बनो। कैसे? जहां बड़े बैठे हो उनके पैरों के नीचे आके बैठ जाओ, ये आदर करो, सीखो। दुर्योधन में और अर्जुन में यही अंतर है। अर्जुन का, दुर्योधन कहां बैठा? सिरहाने। एक संत बोले बहुत बुरा किया इसने, ये भगवान के सिरहाने बैठ गया। दूसरे संत बोले सही किया इसने। कैसे? दुर्योधन कौन है? बोले पापी। बोले भगवान के सिराने बैठा है तो देखो उसे पीठ ज्यादा दिखेगी कि भगवान का मुख? बोले पीठ। तो बोले सही जगह बैठा है। कैसे? बोले पीठ पीछे ही अधर्म रहे, आगे हरि के आ नहीं सकता, आगे धर्म सदा ही रहे। भगवान के फ्रंट भाग में धर्म का निवास है और पीठ में पाप का। कई माताएं बहन जाती हैं मंदिरों में, भाई लोग भी जाते हैं मंदिरों में, और जट पीछे जाके, मंदिर के पीछे जाके भी प्रणाम करते हैं, गड्ढे हो गए दीवालों में, इतने करते हैं। तुम्हारी से भैया सच्ची कह रहा हूं, जाके देखो, जो आपके उन्नाव का फेमस मंदिर होगा आगे गड्ढा नहीं पीछे गड्ढा जरूर होगा, इतने माथे टिके, टिके कि नहीं? लेकिन आपको पता है आप पाप करते हो पीछे माथा टेक कर। कभी भी भगवान की पीठ को प्रणाम नहीं करना चाहिए, जाके आगे ही साष्टांग दंडवत करनी चाहिए। किस किसने करी है गलती जरा हाथ उठा के बताओ। ऑलमोस्ट सबने करी होगी, नीचे रहने दो, बड़ी हंसी होगी हमारे धर्म के, नीचे कर लो, नीचे कर लो। अरे मैया तू तो पूरी ठाड़ी है गई, तू का मजा एक दंडौत कर है, बैठ जा। सुनो बड़े ध्यान से, इधर देखो, मुझे देखो, मुझे सुनो, थोड़ी देर तो सुनो। कहां था मैं? दुर्योधन को पीठ का दर्शन हो रहा है। क्यों? भगवान की पीठ में पाप रहता है और पापी को पाप ही प्रिय है, इसलिए सही जगह पर बैठा है। अगर मुख के दर्शन करेगा तो उसका पाप समाप्त हो जाएगा, पाप बढ़ाने के लिए बैठा है, और इसका पाप बढ़ेगा तभी तो यह हारेगा। जब हम लोगों के पाप अधिक हो जाते हैं तभी जो है हमारी हार निश्चित हो जाती है। अभी 22 में इलेक्शन होने वाले हैं, मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, हां कहीं वहां ले जाओ। जीवन भी एक इलेक्शन ही है, याद रखो जीवन एक इलेक्शन है। जो तुम्हारे कर्म रूपी बोर्ड से तुम्हारी हार और जीत निश्चित होती है। लिखना चाहो तो लिख लेना, अच्छी बात कह रहा हूं। हर प्राणी इलेक्शन में एस्टम है यहां, हर प्राणी। तुम्हारे अच्छे कर्म
भगवान की नजरों में तुम्हारी जीत निश्चित कर देंगे और तुम्हारी बुरे कर्म तुम्हारी हार निश्चित कर देंगे। और खुद को वोट देने वाले तुम ही हो, तुम्हें कोई और वोट नहीं देगा, तुम ही को देनी है अच्छे कर्म की और बुरे कर्म की। इसलिए मेरे प्यारे हो, ये भागवत जो आप श्रवण कर रहे हो ये अच्छे कर्मों का भंडार है, बस हृदय से स्वीकार कर लो, जीत कंफर्म है आपकी, निश्चित बात है।